अक्षय कुमार ने रिसेंटली अपने बर्थ प्लेस चांदनी चौक में अपनी फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग की और उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए अपने इमोशंस को एक कैप्शन के जरिए फैंस के साथ शेयर किया। अक्षय कुमार रोट, टुडेज मॉर्निंग रन ऑन द सेट्स ऑफ रक्षाबंधन ब्रॉट बैक सो मेनी मेमोरीज एज इट वाज इन माय बर्थ प्लेस चांदनी चौक एंड हाउ लवली इट वाज टू हियर द चैटर ऑफ द पीपल अराउंड नेवर गेट्स ओल्ड। ट्विंकल खन्ना अपने बेटे आरव के साथ लंदन में स्पेंड कर रही हैं क्वालिटी टाइम और उन्होंने इस अडोरेबल पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा है, संडे मॉर्निंग इज ट्रूली स्पेशल बिकॉज आई गेट टू स्टील माय सन फ्रॉम हिज बिलव्ड कैंपस एंड वी कैन हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर #SundayShenanigans #LondonDiaries। आपको बता दें आरव लंदन में अपनी हायर स्टडीज कर रहे हैं। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म वॉर के फैंस के लिए है गुड न्यूज। इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने कंफर्म किया है कि इस फिल्म के सीक्वल पर नेक्स्ट ईयर काम शुरू हो सकता है। सिद्धार्थ आनंद ने रिवील किया कि उन्होंने वॉर को इस तरह से प्लान किया था कि अगर ये फिल्म हिट होती है तो इसका सीक्वल बनाएंगे और जिस तरह का रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिला ही कैन नॉट वेट टू स्टार्ट द सीक्वल ऑफ द फिल्म। इसके अलावा सिद्धार्थ आनंद ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के साथ एक सेपरेट प्रोजेक्ट फाइटर पर काम कर रहे हैं। करिश्मा कपूर ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर अपने डैड रणधीर कपूर के साथ एक बिहाइंड द सीन्स डांस वीडियो को शेयर किया। करिश्मा कपूर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, हॉपिंग ऑन ट्रेंड्स विद पापा #PapaLove #BehindTheScenes। आपको बता दें करिश्मा कपूर ने अपने डैड के साथ एक खास एड शूट किया है। नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने अपनी फैमिली के फोर्थ मेंबर को किया वेलकम। अंगद बेदी ने अपने बेबी बॉय के अराइवल की न्यूज को काफी एक्साइटमेंट के साथ शेयर करते हुए लिखा, द ऑलमाइटी टुडे ब्लेस्ड अस विद अ बेबी बॉय, बोथ नेहा एंड द बेबी आर वेल, मेहर इज रेडी टू पास ऑन द बेबी टाइटल टू द न्यू अराइवल #BabiesBoy इज हियर। वाहेगुरु मेर करे। @नेहा धूपिया, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वॉरियर थ्रू दिस जर्नी, लेट्स मेक इट अ मेमोरेबल वन फॉर ऑल फोर ऑफ अस नाउ। सेलेब्स भी नेहा धूपिया और अंगद बेदी को विश कर रहे हैं फॉर दिस ग्रेट न्यूज। कुणाल खेमू ने अपनी वाइफ सोहाली खान को बर्थडे खास अंदाज में विश किया ऑन सोशल मीडिया। कुणाल खेमू ने सोहाली खान और अपनी कुछ अडोरेबल पिक्चर्स को किया शेयर, साथ ही एक वीडियो कॉल की इमेज को भी कुणाल खेमू ने शेयर किया एंड इट सीम्स सोहाली खान के इस बर्थडे पर वो उनके साथ नहीं है। यही वजह है कि वर्चुअली उन्होंने सोहाली खान के बर्थडे को किया सेलिब्रेट। कुणाल खेमू ने पिक्चर्स को कैप्शन दिया, हैप्पी बर्थडे माई सनशाइन।